केबीसी कौन बनेगा करोड़पति शो से जुड़ने के बाद आखिर अमिताभ बच्चन ने अपने सभी पुराने दोस्तों से नाता क्यों तोड़ा। केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति से बदली थी अमिताभ बच्चन की जिंदगी। बिल्कुल कंगाली की राह पर पहुंच चुके अमिताभ बच्चन की किस्मत बदली कौन बनेगा करोड़पति शो से। लेकिन आखिर केबीसी शो से जुड़ने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने सभी पुराने दोस्तों से नाता क्यों तोड़ दिया। इस बात का खुलासा किया है कभी अमिताभ बच्चन के गहरे दोस्त रह चुके एक्टर अंजन श्रीवास्तव ने। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में अंजन ने अमिताभ बच्चन के बुरे समय के बारे में विस्तार से बताया है। एक्टर अंजन श्रीवास्तव ने बताया कि एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन काफी बुरे दौर में थे और पूरी तरीके से कंगाल हो चुके थे, लेकिन तब वो उनके साथ खड़े थे। अंजन श्रीवास्तव ने बताया कि शो केबीसी के बाद बिग बी पूरी तरह से बदल चुके थे और उन्होंने अपने सभी पुराने दोस्तों से नाता तोड़ लिया। बता दें कि शो वागले की दुनिया से एक्टर अंजन श्रीवास्तव ने काफी नाम कमाया और कई बेहतरीन फिल्मों में भी काम किया। 90 के दशक में वो कई फिल्मों का हिस्सा रहे। अंजन श्रीवास्तव की अमिताभ बच्चन के साथ गहरी दोस्ती थी और दोनों ने एक साथ काम भी किया था। रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में अंजन श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन के मुश्किल समय के बारे में बातें की है। अंजन श्रीवास्तव ने कहा कि उन दिनों अमिताभ बच्चन की हालत बहुत खराब थी और उनके खिलाफ काफी आवाजें उठ रही थी। अंजन ने बताया कि वह फिल्मिस्तान में फिल्म तूफान के सेट पर जानने के लिए पहुंचे कि अमिताभ आखिर कैसे हैं। उन दिनों कोलकाता में अमिताभ बच्चन के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पोस्टर फाड़े जा रहे थे और इधर अमिताभ काफी दुखी थे। मैं वहां गया और उनसे पूछा, भाई साहब कैसे हैं? उन्होंने कहा, ठीक हूँ, और बस इतना ही। अंजन श्रीवास्तव ने बताया कि उस वक्त अमिताभ काफी उदास थे और बुरे हालातों से गुजर रहे थे। अंजन श्रीवास्तव आगे कहते हैं कि वहाँ कोई अमिताभ बच्चन को पूछने वाला नहीं था। इलाहाबाद के साहित्यकारों ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी थी। उनके पिता के दोस्तों ने बिना कुछ जाने समझे ही उनके बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे। ऐसी हालत में अमिताभ काफी उदास थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मैं हमेशा वहाँ उनके लिए मौजूद था क्योंकि मेरे लिए अमित जी एक अच्छे इंसान थे। जब गलत बैंक स्टेटमेंट्स की वजह से अमिताभ बच्चन बुरी तरीके से फंसते जा रहे थे, अंजन श्रीवास्तव ने आगे कहा कि गलत बैंक स्टेटमेंट्स की वजह से अमिताभ बच्चन बुरी तरह फंस चुके थे। अंजन कहते हैं, जब ABCL अकाउंट था तो अमिताभ उसमें फंस चुके थे। हम बैंक से उनके ऑफिस में स्टेटमेंट लेने जाते थे और लोग उन्हें बुरी तरीके से ठग रहे थे। मुझे और मेरे मैनेजर को ये सब एहसास हुआ। मैंने मैनेजर से कहा कि वो अमिताभ बच्चन के खिलाफ मुकदमा दायर न करे क्योंकि वह निर्दोष थे और उन्हें इस मामले में घसीटा गया था। जब पैसे के लिए अमिताभ बच्चन ने जोड़े हाथ, अंजन श्रीवास्तव आगे कहते हैं, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो तुरंत हाथ जोड़कर उठ गए और फिर अमित जी बोले, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। इस पर मैंने उनसे कहा कि हम पैसे के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम आपके अकाउंटेंट की गलती के कारण आए हैं। आप जब समर्थ हो जाएं तभी पैसे लौटाइएगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप पैसे देंगे और आपका इरादा भी सही है। लेकिन इस प्रकार की बैंकिंग में दूसरे बैंकों से लेन देन बिल्कुल ना करें। इसके बाद मैं फिर बैंक वापस आया और उनसे कहा कि वो कोई मुकदमा दायर ना करें और धीरे धीरे उन्होंने सारे पैसे वापस कर दिए। शो कौन बनेगा करोड़पति के बाद बदले अमिताभ। अंजन श्रीवास्तव कहते हैं कि अमिताभ बच्चन पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे और उनकी कंपनी ABCL बुरी तरीके से नुकसान में थी। लेकिन फिर शो केबीसी से अमिताभ की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई और उन्होंने धमाकेदार वापसी की। लेकिन आगे अंजन कहते हैं कि इसके बाद मुझे काफी हैरानी हुई क्योंकि केबीसी से जुड़ने के बाद अमिताभ बच्चन पूरी तरह से बदल चुके थे और फिर उन्होंने अपने सभी पुराने दोस्तों से संबंध तोड़ दिए। अंजन कहते हैं कि केबीसी के बाद अमिताभ बच्चन और मेरे रिश्ते में भी खटास आ चुकी थी। पहले जया जी मुझे फोन किया करती थी और मुझे अपने परिवार के साथ होली मनाने के लिए इनवाइट भी करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इनविटेशन और संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गए। हालांकि इसे मेरे करियर पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन नुकसान जरूर हुआ। अंजन श्रीवास्तव कहते हैं कि कहीं न कहीं ये मेरे थिएटर के कुछ दोस्तों की भी गलती थी जिन्होंने अमित जी को मेरे खिलाफ भड़काया। For latest Bollywood news and gossips, subscribe to our channel Bollywood Lifetimes.